नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सरमित्र पर। और आज का रेस्क्यू काल में आजमगढ़ जिले के मऊपरासिन गांव से आया और हम लोग मौके पर आ चुके हैं। और आज का रेस्क्यू बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। बहुत ही ज्यादा खास इसलिए होने वाला है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग इनको पहचानते होंगे, ये है टीम क्रेजी XYZ और ये हमारे अमित भाई। तो अमित भाई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब रेस्क्यूज के लिए आप आए हैं? मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि अमित भाई हमारे साथ आए एक वीडियो कोलेबरेट करने के लिए, मतलब सांपों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि सांपों के बारे में जो अंधविश्वास या फिर गलत जानकारी का है वो काफी ज्यादा फैला हुआ और लोग इस चक्कर में डर के अक्सर सांपों को मार दिया करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों के साथ में भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है कुल मिला करके, और मतलब ये मेरे लिए बहुत नई चीज है। और जो काम है वो भी यार इतना अच्छा है कि ऑब्वियसली कि सांपों की जान बचाना और उसके साथ में लोगों की भी जान बचाना, तो इसलिए मेरे को वैसे ही बहुत खुशी है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके साथ। और भाई ने यार इतना अच्छे से हमको यहाँ पे रखा है, इतना बढ़िया से, मतलब एकदम प्यार से जो है खाना वाना खिलाते हैं, सब कुछ कर रहे, इतना ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अरे इसमें तो बड़पन भाई का, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है, मतलब अब आप लोग तो जानते हैं इनको, मतलब कहाँ अमित भाई कहाँ हम, लेकिन फिर भी बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हमें बिल्कुल भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसको बिल्कुल करते रहिए। मैं अमित और हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हम आ चुके हैं गुड्डू मौर्य सर मित्र जी के साथ में और दीपक जी के साथ में, और आज हम पकड़ने वाले हैं, रेस्क्यू करने वाले हैं एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को, जो कि यहाँ पर हमने सुना है कि कहीं पर छिपा हुआ है, मुझे अभी कुछ नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सांप है, कहाँ पर घुसा हुआ है और कैसे उसको हम बचा करके रिलीज करेंगे। अंदर अंदर बाहर से है, बाहर से है ना, बाहर से इसमें क्या ना, नहीं मतलब अंदर है, वो तोड़ लेंगे सज्जे रहने दे। पीछे जा रहा है, पीछे तार नहीं करना, तार टाच नहीं, वो पीछे वाला जो पतला वाला स्टिक है छोटा सा, एकदम लास्ट में, एकदम नीचे वाले में है। और फाइनली काफी ज्यादा मशक्कत के बाद हमें सांप दिख चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है जिसे नाग कहा जाता है। इसे हमारी लोकल भाषा में फिटार, गेहुअन और खरीज भी कहा जाता है। और अभी ये थोड़ा थोड़ा इस दीवार के अंदर छुपा है और थोड़ा सा इसके शरीर का ऐसा बाहर आया, तो हम लोग इसको सुरक्षित ढंग से बाहर निकालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको बाहर निकालते वक्त किसी भी तरह से कोई भी चोट ना पहुंचे। कोई नहीं, उसको पकड़ के धीरे धीरे तोड़वा लीजिए लोग से और ईटे निकलवा लीजिए। अब तो क्यों थोड़ी पकड़ ले हूं ना, विकास थोड़े ना, विकास तुमने तोड़ दो भाई। तो पोछिया ना लोचा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता ना करो, चिंता मत करा भा। बहुत तेज था, नहीं नहीं बस निकल गया। देखो ना कितना तेज आवाज आ रही है। पास जाओ, पास जाओ।
ओ भाई साहब, जरा इसकी साइज तो देखिए और एक बार इसका हुड तो देखिए कितना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। वैसे ये हमें खतरनाक नहीं बल्कि खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन वाकई में खतरनाक होता है। आपने देखा कितनी छोटी थी? बिल्कुल छोटी सी जगह है भाई। इसका रीजन ये होता है कि इनके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। अब इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है अभी तो। इसका अभी मेरे से दूर है ना स्ट्राइकिंग रेंज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूर है दोस्तों। ये जो कोबरा है ये पूरा जो है वेनमस कोबरा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। अगर अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए और अच्छे ढंग से ना इसको रेस्क्यू किया जाए तो ये वैसे भी खतरा बन सकता है। लेकिन गुड्डू जी एक्सपर्ट है तो इस मतलब कुछ मालूम है उसकी हमके मुझे। चलिए आप पीछे में तो उधर आ जाए, आप लोग आ जाए, आप इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। ये जो है कंटीन्यूअसली यहाँ पर जीव निकाल रहा है सांपों के पास बाहरी कान नहीं होता जिससे कि इनकी सुनने की क्षमता बहुत बढ़िया नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनके पास एक इंटरनल कान होता है जिससे ये अपनी जीभ के माध्यम से सुनते हैं, इसलिए ये लगातार अपनी जीभ को बाहर निकालते रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग सांप को लेकर के बाहर की तरफ आ चुके हैं। अभी हम लोग इसको लेकर खुले मैदान की तरफ चलेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कंजेस्टेड है, तो अभी हम लोग इसको खुले मैदान में लेके चलेंगे। उसके बाद इसे किसी बैग वगैरह में पैक करके यहाँ से ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा। मेल है ना? ये वाला जहर फेंक नहीं सकता ना? नहीं कोबरा में होता है। और जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि इस सांप ने अमित भाई की टीम के एक सदस्य के ऊपर हमला किया, बेसिकली मोहित भाई के ऊपर हमला किया जो अभी आपको दाहिने साइड कैमरा हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात का शुक्र है कि ये उसकी स्ट्राइकिंग रेंज से बाहर थे जिससे कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें कोई भी खतरा नहीं हुआ। बहरहाल हम लोग इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे, उसके बाद इसको बैग में पैक करके यहाँ से ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। यही छाया ठीक है, यहाँ पे ठीक यही ठीक है छाया। निकाली बैग? हाँ रुक जमीन निकलते, जमीन में थोड़े छोड़े, जमीन पे छोड़े। यहाँ शॉर्ट चलो पूरे शरीर में से सारी हवा फेंक करके डराना चाह रहा है। देखो अब इसको पैक करेंगे और इसको लेके चलिए। इसमें कौन सा वेनम होता है? न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। ये हीमोटॉक्सिन किसमें होता है? इसलिए इनका एक भगवान ने नेचर बनाया है, मतलब ये डराने के लिए फन उठाएगा तो लोग डर जाएंगे। ऐसे बड़ा दिखने लगता है, ऐसे नीचे रहता तो छोटा दिखता है। अब देखे काफी ज्यादा डरा। कैमरा के ऊपर जो है इसने वेनम नहीं छोड़ा है, ये फास्ट बाइटर से डराने के लिए। इसने डरा रहा है, डराया क्या बात है। लेकिन इसे इसको कोई दिक्कत नहीं है ना? सांप को कोई दिक्कत नहीं है, खुद की सुरक्षा करने खुद की खुद की सुरक्षा के लिए इस तरह से करता है। हाँ ठीक है, पैक कर दे इसको। तो भाई साहब हमारे कैमरे को काटने के बाद में जो सांप है, ये आपने इसको पीछे से टच मतलब कैसे किया है? अभी बिना वक्त गवाए हम लोग उसको बैग में पैक करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं ये तुरंत से चला जाता है या फिर थोड़ा वक्त देता है। जो भी होगा हम लोग उसको पूरा पर वक्त देंगे, इसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये जल्दी से बिना वक्त गवाए बैग के अंदर चला गया, हमने इसको बैग के अंदर पैक कर लिया है। अभी हम लोग इसको यहाँ से ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग अमित भाई के साथ में शाम को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित और ये अपने अनुकूलित स्थान पर चला जा रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।